नवरात्रि के पावन पर्व पर पूरे देश में माता के मंदिरों में मां दुर्गा के नौवे स्वरूपों की पूजा अर्चना की जा रही है। भक्तगण मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि माता को उनकी पसंद की चीजें अर्पित करने से वो बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर सदा अपनी कृपा बनाकर रखती हैं। इसके तहत ही राजधानी देहरादून के प्रसिद्ध सिद्धपीठ डाट काली मंदिर में भी भक्तगण माता को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिर में इन दिनों दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जा रहा है। सिद्धपीठ माँ डाट काली मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि माँ डाट काली मंदिर में शीश झुकाने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो हमारे माता चल रहे हैं, आप देख ही रहे कि भीड़ जो है वो माता रानी के दर पे आते हैं। और आप जानते हैं कि हमारे देहरादून की रक्षा करने वाली, कहते हैं ना कि द्वार पे हमारी माता रानी हमारे देहरादून की रक्षा करती है, उत्तराखंड की रक्षा करती है। उसी उसमें जितने भी भक्त हैं वो सुबह 3:30 बजे से यहाँ पर लाइन लगा के माँ के दर्शन करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि आज सप्तमी है और 12 बजे से अष्टमी लग जाएगी, उस वजह से अष्टमी की वजह से आज भीड़ जो भक्तजनों की भीड़ है वो लंबी लंबी लाइन लगती आ रही है। माता रानी का पावन पर्व चल रहा है, सोशल मीडिया में सुदर्शन टीवी द्वारा आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और माता का आशीर्वाद मिलते हैं कि माँ आपका चैनल पूरे उत्तराखंड और भारतवर्ष में अच्छी तरह से फैले। और आजकल यहाँ पर विशेष पूजा चल रही है माता रानी की, 11 ब्राह्मण द्वारा यहाँ पाठ किया जा रहा है और रोज सुबह पहली आरती 3 बजे, दूसरी आरती 8:30 बजे, 8:30 9 बजे, तीसरी आरती 3:30 बजे और चौथी आरती 8:30 7:30 बजे होती है। और उस बीच पंडो द्वारा पाठ किया जा रहा है और अभी आज तो अभी तो काल रात्रि है, उसके बाद अष्टमी हो जाएगी, विशेष आयोजन किया जाएगा। कल रात्रि की यहाँ विशेष पूजा करी गई थी रात को।